गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। मैं रेडी हो गई थी, मैंने अपनी शर्ट चेंज कर दिया। ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ, दो बंदे बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। ये महक, एक मिनट यार फेस तो दिखाओ, ये देखें। गाइस हम ना जा रहे थे आपी के ना बेटे के हकीके पे, बर्थडे थी उनकी शायद कोई, उसका तो, के हाँ। बेटे के घीके पे और हमें कोई लेके नहीं गए और हमारे पास कन्वेंस नहीं थी, जिस वजह से हम ये देखें हमारे कपड़े छपड़े सारे रेडी हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें और ये देखें, सब हम रेडी बैठे हुए थे लेकिन बस कन्वेंस ना होने के बावजूद हम रह गए। कमेंट्स में लाजम था मुझे भी बताना गाइस कि मैं कैसी लग रही हूं। और गाइस इधर मैं तो जा नहीं सकी। गाइस हमारे साथ तो जो प्रैंक हुआ है ईमान के साथ, बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है। ईमान भी कपड़े पहन के बैठी थी, अब चेरी की पहली शादी पे उसने जाना था, वो भी फ्लॉप हो गया। वो मुझे आंखें खोल के देख रही है। चलें कोई बात नहीं, और मैं तैयार हो गई, मैंने रोटियां बनाई हैं, पापा को बना के दी, अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो ये देखें आप फेस, ये देख सकते हैं बहुत प्यारी लग रही है। ये झूठी बोल रही है, मुझे तो पहले गाय जी मेरे डिंगू मिंगू टाल होके बैठे, अभी इसके कपड़े चेंज हो रहे हैं। हाय कल दो व्लॉग में हाय, और ईमान का आज हमने फेस रिवील भी कर दिया। बस बड़ी हो गया, बड़ी छुप लिया हमने, बहुत छुप लिया आपने, बहुत ज्यादा छुप लिया। लोग कह रहे मानो की दिल है। गाय जी देखे हमारी ईमान मेंट्स में बताइएगा, पा रही है ना, सो तो बीबी है ना। और ये देखे ईमान कपड़े छपड़े पहन के बैठी है, और बेचारी को कोई लेके ही नहीं गया। ईमान के बाबा बहुत खराब है ना, मानो के बाबा बहुत खराब है। बोलो ज़रा, ये देखा वो बोल रही है, स्माइल कल के दिखा दो बुआ को, स्माइल कल दो, टंग निकालने को नहीं कहा, स्माइल कल के दिखाओ। और आप लोग मेंट्स में बताइएगा ये किसके जैसी है। आई होप ये मेरी जैसी आपको लगे, लेकिन ये है नहीं मेरी जैसी, ये किसके जैसी आ गए हो, बाबा जैसे हो। ईमान को ढेर सारी दुआएं देनी है आप लोगों ने कमेंट्स में। ये देखा ईमान, इसको ऊपर रखो, बुली बहुत बैड मैनर्स है, आपको समझ नहीं आती। मानी भरी मामा किधर है, भरी मामा किधर है, बरी मामा किधर है, बरी मामा किधर है, मानो की बरी मामा किधर है, अच्छे अच्छे की दिखा ले हो आप तो। हंस की दिखा दो बुआ को, अच्छे अच्छे कर दो। सो गाइज अभी हम लोग तैयार हो गए, जैसा कि आपको भाभी ने बताया कि हम तैयार त्यूर हुए। भाई का प्लान था जाने का, लेकिन भाई एकदम से भाई को काम आ गया तो भाई नहीं आए, ठीक है। तो हमें लेके जाने वाला कोई बंदा नहीं था, और ऐसा भी होता है कि ये लड़की अभी 2 घंटे लगा के तैयार होती रही है, अब बेचारी रोटियाँ बना रही है। भूख लग गई अब, ये देखिए गाइज खाना बना रही है। तो बस कल तो हमने जाना ही जाना है, कल तो जाना ही जाना है, फिर मिलेंगे कल, यही हो सकता है, बाय, कल मिलेंगे। सो गाइस यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, हम लोग आ चुके हैं, मासी ने हमें बुला लिया, हम दोबारा रेडी होके हम लोग आए हैं। यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, हाय कर दो यार, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। तो अभी हम लोग सब रेडी हैं, यहाँ पे लाइट नहीं है जिसकी वजह से इनके फेस आपको सही नज़र नहीं आए, तो मैं लाइट में खड़ी हूँ बिल्कुल। और अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी नानू बहुत गुस्से में है, तो बस निकलते हैं, टाइम बहुत हो गया, वहाँ पे जाके मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग मेहंदी पे आ चुके हैं, और ये सब लोग रेडी हुए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये देखे ईमान सो रही थी, और बस मेहंदी लेके अभी हम लोग अपने कज़न के घर जाएंगे, कज़न के बेटे का कीका है।
हम लोग मेहंदी लेकर अपनी कज़न के घर आ चुके हैं और वो सामने बिल्कुल मेरी कज़न का घर है। और ये जो है ब्लू कपड़ों में, ये है मेरी कज़न और इसके बेटे का कीका है। सो लेट्स सी, आगे देखें, बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। कितना साजन तेरा चाहे तुझे, जिसका गीके पे हम लोग आए हैं। और ये मेरा भांजा है जो बहुत प्यारा लग रहा है। और यस, काफ़ी ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो ये हमारे में रस्म है कि गीके पे या मेहंदी पे, किसी की शादी पे जो मामू होते हैं ना, मामू और मामी, वो गाना बांधते हैं बेबी को गीके। मेहंदी हमारे में मेहंदी भी करते हैं, कुछ लोग मेहंदी नहीं करते लेकिन हमारे में मेहंदी करते हैं। तो ये भाई और भाभी बेबी को गाना बांधने के लिए जा रहे हैं। और जो रस्म ये नहीं करते वो भी मुझे कमेंट्स में बताएगा, और जो करते हैं वो भी मुझे बताएगा। और ये स्पेशल मोमेंट होता है कि जो मामू और मामी आके गाना बांधते हैं। तो लेट्स एंजॉय करें फुल वीडियो को। ये है बेबी की नानो जो कि है मेरी मासो, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और बेबी को चेक करें ज़रा, बेबी कितना एंजॉय कर रहा था और मासो बहुत हैप्पी थी।